राहुल ये 40 क्या है? हाँ मुझे लगा 17 करना था, अच्छा, 17 करना, मुझे लगा 17 करना था मैंने उसके लिए। 17 का आंसर है। ठीक है, ये जो दिया है इसका इसका मतलब क्या है पता है ना? ये स्पीड का रेशियो इससे पता कर सकते हैं हम लोग कि वायर जितना देर में 10 मीटर भागता है तार 40 मीटर भाग जाता है, चाहे वो कोई भी टाइम हो, 1 मिनट हो या आधा मिनट हो या 1 सेकंड हो या 2 सेकंड हो, दोनों का टाइम यूनिट सेम है। तो जो रेशियो है दोनों का स्पीड का वो 10:40 होगा, मीन्स 1:4 होगा वायर्स एंड कार के बीच का टाइम स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो इतना है, तो ये टाइम सेम हो तो डिस्टेंस राइट। वो बोलता है क्या जो टाइम है वो उसी टाइम में 1 किलोमीटर है सो कवर कर लेता है, तो ये 1000 मीटर कवर करता है, तो उसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, ये 4 पार्ट है तो ये 1 पार्ट कितना होगा? 250। 250। ठीक है, कोमल समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, 1:4 स्पीड है तो डिस्टेंस भी उसी स्पीड में होगा ना। अभी तुम ही सोचो कि कोई तुमसे दुगना भाग रहा है तेज, तो जितना देर में तुम जितना दूरी तय करोगी उसका डबल डिस्टेंस वो तय करेगा। यदि कोई 3 गुना भाग रहा है तो जितना दूरी तुम तय करोगी एक टाइम में उतने ही टाइम में वो 3 गुना टाइम 3 गुना दूरी तय करेगा राइट। आज पीपीटी में नहीं डाल पाया है क्वेश्चन, तो मुझे इधर से ही लेना पड़ेगा पीडीएफ से। ये तो 17 नंबर कर चुके थे हम लोग उस दिन, 19 करो, 19 बाद में करना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, राउंड बॉक्स। हाँ ये 20 नंबर करो, ये सब के आंसर फटाफट चाहिए मुझे।
इस बार मुझे फटाफट आंसर आ गया सबके पास। स्पीड का रेशियो 3:4 है, डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली टाइम जो है ना उसका उल्टा रेशियो में लगेगा, 4:3 लगेगा। तो टाइम, दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने देर का है? 30 मिनट का, ठीक है। तो 1 part = 30 मिनट, तो 4 part = 120 मिनट। 120 मिनट मीन्स 2 घंटा, 2 घंटा मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटा तक चलेगा तो 6 किलोमीटर तक चलेगा, तो 6 किलोमीटर ही दूरी होगी। पता है इसी क्वेश्चन को लोग कैसे अप्रोच करते हैं? पहले डी एज्यूम करेंगे, फिर डी को 3 से डिवाइड करेंगे कितना देर लगा, फिर डी को 4 से डिवाइड करेंगे कितना देर लगा, 30 में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डी बाई 4 माइनस डी बाई 3 इजकल टू क्या करेंगे, 30 मिनट्स डालेंगे। 30 मिनट्स मीन्स आधा घंटा। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो लोग, ठीक है, और वो करते रहेंगे। और ये तो अभी इतना लिखने में टाइम लग रहा है, यदि होता तो फटाफट ये हो जाती यहीं पे, ठीक है। ये भी बना सुंदर है। कोमल, तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल वाला बुक है क्या मैथ का? हाँ सर। तो ये उसी का क्वेश्चन का है, उसी उसी में से ले रहा हूँ मैं। Thank you.
इस पर टाइम ज्यादा मिल गया। क्या बोल रहे हो? मैं चाय पी रहा हूँ, सॉरी भाई, मुझे लगा इस पर टाइम ज्यादा कैसे मिल गया। सबके आंसर 90 भी क्यों आ रहे हैं मुझे? 19 करेक्ट है ना? इस बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे तो? 19 आ रहे हैं सबके आंसर, तो मैं सॉल्व करके फायदा क्या है? हाँ करेंगे तो उसमें तो चाहिए होगा ना। किसमें? पापी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे तो। ठीक है। A train runs at 40 km per hour. It reaches its destination late by 11 minutes. स्पीड लिख लेता हूँ पहले, 40 किलोमीटर। इफ इट रन्स 50 किलोमीटर, मतलब स्पीड इतना हो गया बराबर, ये स्पीड है, इट इज लेट बाई 5 मिनट्स ओनली। तो 11 मिनट पहले लेट था, अभी 5 मिनट्स ओनली है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? 6 मिनट का। और टाइम का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा? 5:4। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 6 मिनट है, 5 पार्ट इज इक्वल टू 30 मिनट्स हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट इट्स जर्नी। थर्टी मिनट्स, इसको पूरा टाइम लगता है राइट? तो 11 मिनट लेट पहुंचाइए, तो 30 में से 11 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, 19 मिनट्स में इसको पहुंचना चाहिए, यही सवाल है। कितना देर इसको, कितने टाइम में इसको पहुंचना चाहिए? 30 मिनट्स पे इसको लगता है, बट 30 मिनट्स जब लगेगा तो वो 11 मिनट लेट हो जाएगा, 11 मिनट लेट हो जाएगा तो करेक्ट टाइम 19 मिनट में इसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो 22 करके जी। ये टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आ रहा है कि एवरेज का आ रहा है? ये तो टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, मुझे तो एवरेज ऐसा ही लग रहा है। चलो इसको बना, क्लास के बाद तुम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं ना बनाते हो? बनाते हो? नहीं। कोई नहीं बनाता है,
बट बनाना चाहिए। ये सबको जोड़े हो तुम लोग? पूरे टाइम को या नहीं? हाँ ये कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं, कर चुके हो ना। ये क्या है? ये वाला है सेवन पार्ट। हमको इक्वल हाँ। टाइम का पता करना है, ठीक है? तो ये इसको सेवन से डिवाइड करके फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सेकंड में है, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 16 to 60 से। ये तुम्हारा आवर्स हो गया। फिर 42 किलोमीटर को 6048 इंटू 5 ऊपर में 7 इंटू 60 इंटू 60 करना। दिस इज व्हाट यू विल गेट एज आंसर, राइट? रिया ने शायद क्या लिखा? सॉरी सर, यूज थे थोड़ा। हाँ कंफ्यूज किया था। मुझे मोस्ट ऑफ द आंसर कैसे मिले हैं? 35 ही है, ठीक है। कोमल समझ में आ रहा है? हाँ सर। तुम्हारे रिस्पांस नहीं आया मुझे, बना नहीं था। हाँ, बनानी। ये समझ में आया? ये टेबल समझ में आ रहा है? 5 7 7। हाँ 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 समझ में आ रहा है। यूजुअल स्पीड से 5:7 हो गया है, मतलब पुराना वाला स्पीड यदि 7 था तो अभी 5 है, तो टाइम उल्टा हो जाएगा। पहले टाइम 5 लग रहा था तो अभी 7 लग रहा था। ये 7 पार्ट इक्वल टू कौन सा? ये है दिस वन। तो इसको हमने सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है? तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, इसको सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा। और ये है जो सेवन पार्ट है, मुझे फाइव पार्ट पता करना है, तो इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो वन पार्ट पता चलेगा, और फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव पार्ट पता चलेगा। ये कोई टोटल टाइम लग रहा है, ये इक्वल टू दिस। जब टाइम मुझे पता चल गया,
डिस्टेंस पता है तो स्पीड पता हो जाएगा, ठीक है, इसको करना, ठीक है। ये करो, ये सिर्फ टेबल में ही डाल देने से आंसर पता चल जाता है। ये सुपर फास्ट हो गई है, हम सबसे लेट आंसर करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, फर्स्ट मुझे स्वीटी ने लिया, फिर प्रिया ने लिया, फिर राहुल ने दिया, फिर रिया ने दिया, कोमल कोमल हाँ जी सर मेरा आंसर आया था लेकिन मैंने सेंड नहीं किया। ओके ठीक है कोई बात नहीं, आंसर आ रहा है। और रश्मि, रश्मि नहीं है, है। ठीक है अच्छा ये बताओ ये कितने सेकंड का सवाल है, ये कितने सेकंड में हो जाना चाहिए? कोमल ये इस तरीके से लिखने का हैबिट है ना तुमको? हाँ। You have to write like this। हाँ। एवरेज वाला जो कॉलम है, फिर ये जो है नंबर ऑफ आइटम्स और ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम, ऑल द आइटम। तो इस केस में टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले में एवरेज क्या होता है? स्पीड, एवरेज जो होता है वो स्पीड होता है, क्योंकि यदि फोर बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में थ्री बॉल्स हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? फोर, और हर आइटम का वैल्यू कितना है? तीन, थ्री। कोमल तुम्हारे लिए बता रहा हूँ ये, थ्री बॉल्स इन पर बॉक्स, फोर बॉक्सेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? यू गिव मी आंसर। ट्वेल्व, ट्वेल्व। तो व्हाट वी हैव डन, we have added 3 4 times and answer is 12. Similarly I can say
कि इफ समवन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही रन्स फॉर 4 आवर्स ही विल रन टोटल हाउ मेनी 12 किलोमीटर राइट सो दिस इज स्पीड कॉलम दिस इज आवर्स कॉलम मीन्स टाइम यूनिट यूनिट ऑफ टाइम है इसमें टाइम कंज्यूम और ये टोटल डिस्टेंस मीन्स जितना भी स्पीड से चल रहे हैं और उसको कितने बार काउंट करना है नंबर ऑफ आवर्स टाइम्स उनको काउंट करना है एंड यू विल गेट दिस तो या फिर वो एवरेज का क्वेश्चन हो या टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन दोनों केसेस में तुमको लिखना इसी तरीके से है तो यू ऑलवेज मेक दिस कॉलम ठीक है ये तुम्हारा वैल्यू पर आइटम बोलते हैं इसको इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में और इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू ठीक है तो वैल्यू क्या है वैल्यू पर आइटम क्या है वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी ठीक है पर फ्रीक्वेंसी 3 balls, 4 boxes, 12 balls इन ऑल 3 किलोमीटर पर आवर 4 hours 12 किलोमीटर टोटल ट्रैवल्ड ठीक है तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमेशा ये 3 कॉलम बनाते हैं ठीक है और उसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं फटाफट और जब इसमें चला आता है तो हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है ठीक है नेक्स्ट में जाएंगे मिनट आंसर होगा इसका सुपर फास्ट है प्रिया तुम तो मैं तो क्वेश्चन आधा मिनट में आंसर कर दिया हाँ थ्री यूजुअल स्पीड क्या है इसका 4 तो टाइम इसको 4:3 लगेगा ठीक है ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 20 मिनट्स का ठीक है वन पार्ट One part equal to 20 minutes, three part means 60 minutes. Usual speeds ये है तुम्हारा, तो 60 minutes. Answer. Right? ऐसे ही किया प्रिया? हाँ. Good. ये सब सुपर फास्ट हो गया पांच मिनट इसमें और बचा हुआ है ठीक है चलो इसको बना के देखते हैं बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है इसको जमुआ ही आ रहा है
ये थोड़ा डिफरेंट है. चलो इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है. यदि यूजुअल स्पीड x है और टाइम y लग रहा है, तो x y डिस्टेंस होगा होगा. अभी क्या बोल रहा है कि 6 किलोमीटर फास्टर हो जाता है, x प्लस 6 हो जाता है. राहुल का आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाया होगा. राहुल राहुल क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं बना. कैसे कैसे बनाया? टाइम को टी मान लिया था, हाँ, स्पीड को एस मान लिया, फिर दो ही क्वेश्चन बन जाएगा. एक आ जाएगा डी अपॉन एस प्लस सिक्स इक्वल टू टी माइनस फोर, और एक आ जाएगा डी अपॉन एस माइनस सिक्स इक्वल टू टी प्लस सिक्स. दोनों का एस और टी निकाल दिया. ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंटली बताता हूँ. हाँ ठीक, ठीक है. वाई टाइम लग रहा था, वो क्या हो गया? अभी टाइम जो है कम लग रहा है, कितना? 4 आवर्स. यदि ये लेट होता है, मतलब स्पीड स्लो होता है, कितना? 6 किलोमीटर पर आवर. यदि कम स्पीड हो जाता है इसका, तो टाइम इसको ज्यादा लगेगा. कितना ज्यादा लगेगा? इसने लिखा है 6 आवर्स.